आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और टेस्टी साबूदाना कटलेट की रेसिपी। अगर आप इसे सादा बनाते हैं तो आप इसे व्रत में खा सकते हैं, और अगर आप इसे थोड़े से मसालों के साथ बनाते हैं तो आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में या शाम की चाय के साथ कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। मेरी प्रिय सहेलियों, मैं तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ग्रो विद किचन में। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट साबूदाना बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके लिए मैंने ये साबूदाने एक घंटे पहले अच्छे खौलते हुए पानी में भिगोकर रखे थे, और आप देखिए ये घंटे में फूल कर तैयार हो गए हैं। और इतनी देर में मैंने बाकी की अपनी प्रिपरेशन कर ली है। और जैसा कि मैंने आपको इंस्टेंट साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी में बताया था कि आप एक घंटे पहले भी साबूदाने भिगो देंगे अच्छे खौलते हुए पानी में, तो साबूदाने फूल जाएंगे। और साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए हमें इसको ठंडे पानी से निकालना होता है, क्योंकि हमें खिले खिले साबूदाने चाहिए होते हैं। लेकिन बड़ा बनाने के लिए हमें एकदम खिले खिले साबूदाने नहीं चाहिए होते हैं, इसलिए हमने इनको ठंडे पानी से नहीं निकाला है। इनको हमने पहले ही 4-5 बार अच्छी तरह से पानी में धो लिया था, और उसके बाद में इनको भिगो दिया था। अब आप देख सकते हैं कि ये एकदम सॉफ्ट हो गए हैं साबूदाने। और अब मैं आपको बाकी की चीज़ें बता देती हूँ। धनिया ली हुई है मैंने, इसको बारीक कट कर लिया है। मैंने 2 बड़ी साइज़ की हरी मिर्च ली हैं, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। और ये मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने व्रत वाला सेंधा नमक लिया है। और 4 आलू लिए हैं मैंने, जिनको बॉईल करके मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब मैं ये कद्दूकस किए हुए आलुओं को साबूदाने के साथ मिक्स कर देती हूँ। ये मैंने साबूदाने 3/4 कप लिए हैं। इसमें धनिया मिला देती हूँ। ये मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा मसाले नहीं मिला रही हूँ। अगर आप व्रत के लिए नहीं बनाते हैं, इसको सादा कभी भी बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें और भी मसाले मिला सकते हैं, जैसे भुना हुआ जीरा, गरम मसाला, धनिया, लाल मिर्च। हमारा आलू और साबूदाने का डो बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं एक प्लेट को ग्रीस कर लेती हूँ, इसमें तेल लगा लेती हूँ ताकि जो बड़े बनाकर हम इसमें रखेंगे वो चिपके ना। और उसके बाद फिर मैं साबूदाने बड़े बनाना शुरू करती हूँ। अब मैं हाथ में थोड़ा सा तेल ले रही हूँ, हाथों को मैंने तेल से चिकना कर लिया है, और अब मैं बड़े बनाकर तैयार कर लेती हूँ। आप इसको किसी भी शेप का बना सकते हैं, आप इसको गोल भी बना सकते हैं। आप इसकी टिक्की भी बना सकते हैं, आप इसके बड़े भी बना सकते हैं। अगर आपके पास मोल्ड्स हैं तो आप इनको एक शेप दे सकते हो, जैसे कि मेरे पास ये मोल्ड हैं, तो मैं आपको इनसे बना के भी दिखा देती हूँ। बच्चों को शेप्स बहुत पसंद होते हैं, डिज़ाइनर चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, तो बच्चे इजीली ये खा लेते हैं। ये देखिए हमारा एग शेप कटलेट बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा स्टार साबूदाना कटलेट तैयार है। और इस तरह के शेप्स बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। ये देखिए ये मैंने व्रत के लिए बनाकर तैयार कर लिए हैं, और इनको मैं साइड में रख देती हूँ, और बाकी बचे हुए डो में मैं स्वाद अनुसार मसाले ऐड करके आपको बना के दिखाऊंगी। अब मैं इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला रही हूँ, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा हरा धनिया। इसको येलो टेस्ट देने के लिए इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ा सा अमचूर और थोड़ा सा गरम मसाला। और अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। कॉर्नफ्लोर मिलाने की वजह से ये थोड़े ज़्यादा करारे बनेंगे। मैंने इसका भी डो बनाकर तैयार कर लिया है, और अब मैं इनके भी आपको बड़े बना के दिखाती हूँ। अब ये हमारे मसाले वाले साबूदाना बड़ा तैयार हो रहे हैं। ये मेरे मसालेदार साबूदाना कटलेट बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें मैंने कुछ बच्चों के लिए शेप भी बनाए हैं, और अब बाकी के हम दूसरे शेप में बनाकर तैयार करें।
हमारे इंस्टेंट साबूदाना कटलेट बनके तैयार हो गए हैं और अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हुए हैं, आप चाहो तो इनमें ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हो। मैं एक टिक्की पर आपको लगा के दिखा देती हूँ, इससे और ज्यादा करारापन आ जाएगा और देखने में भी सुंदर लगेगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। ये देखिए हमारा कितना प्यारा साबूदाना कटलेट बनकर तैयार हुआ है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने फ्राइंग पैन को गैस पर रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है और मैं इनको सैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहो तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हो। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। 8 मिनट हो गए हैं और अब मैं इनको चेक कर लेती हूँ और ये फ्राई भी हो गए हैं एक साइड से। हम इनको पलट देते हैं, देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है इनका। एक साइड से बढ़िया गोल्डन फ्राई हो गए हैं और अब मैंने इनको पलट दिया है और अब इनको ऐसे ही फ्राई होने देंगे। हमारे साबूदाना कटलेट बढ़िया से करारे हो गए हैं और अब हम इनको टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। मैंने सारे साबूदाना कटलेट प्लेट में निकाल लिए हैं और आप देखिए इनका कितना बढ़िया कलर आया है। अब मैंने जो गोल वाले बनाए हैं उनको मैं अप्पे के सांचे में फ्राई करूँगी। उसके लिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाल देती हूँ। तेल को सांचे में एक चम्मच की सहायता से पूरे में लगा देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें ये बड़े डाल देती हूँ और अब मैं इनको भी ढक देती हूँ। 10 मिनट हो गए थे और ये सारे हमारे फ्राई हो गए हैं जो हमने अप्पे के सांचे में बनाए थे और मैंने इनको पलट भी दिया है। ये बीच में रखे हुए बड़े फ्राई हो गए हैं और मैं इनको निकाल लेती हूँ। साबूदाने बड़े सिककर तैयार हो गए हैं, देखो दोनों साइड से ये कितने बढ़िया सिके हैं और अब मैं इनको भी टिश्यू पेपर पर निकाल देती हूँ और अब मैं इनको प्लेट में सर्व कर देती हूँ। ये बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने करारे बने हैं। और एक मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, अंदर से भी कितने बढ़िया ये सिके हुए हैं। कितने करारे सिके हैं ये। अब मैं व्रत वाले साबूदाना कटलेट फ्राई कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने एक पैन को गैस पर रख दिया है और उसमें तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें कटलेट डाल देती हूँ। मैंने इसमें सारे साबूदाना कटलेट डाल दिए हैं और ये व्रत वाले हैं। अब मैं इनको 10 मिनट के लिए ढक देती हूँ। एक साइड से फ्राई होने के लिए इनमें 10 मिनट लग जाते हैं। 10 मिनट हो गए हैं और अब मैं इनको चेक कर लेती हूँ। वाओ कितने बढ़िया फ्राई हो गए हैं ये। अब मैं इनको पलट देती हूँ एक चम्मच की मदद से, आराम से इनको हम पलट देंगे। मैंने इनको पलट दिया है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है इनका। और अब हम इनको 7-8 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इनको ऐसे ही फ्राई करेंगे। अब हम इनको थोड़ा उलट पुलट कर सेक लेंगे जिससे दोनों साइड से बढ़िया क्रंची हो जाए। और आप देख सकते हैं हमारे व्रत वाले साबूदाना कटलेट भी सिककर एकदम तैयार हो गए हैं और अब मैं इनको भी टिश्यू पेपर पर निकाल लेती हूँ। मैंने सारे साबूदाना कटलेट प्लेट में निकाल लिए हैं और अब मैं इनको भी सर्व कर देती हूँ। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ ये कितने क्रंची बने हैं। आवाज़ आ रही है ना आपको? कितना बढ़िया बना है ये व्रत वाला और इसमें मैंने अरारोट भी नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, तब भी ये कितना क्रंची बना है। लीजिए हमारे बहुत ही क्रंची क्रिस्पी और टेस्टी साबूदाना कटलेट बनकर तैयार हो गए हैं और आपने देखा इनको बनाना कितना आसान है। ये देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं स्वाद में भी ये उतने ही लाजवाब हैं। आप इन्हें अपनी पसंद की हरी चटनी, ग्रीन चिली सॉस या टोमेटो सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपने मेरी वेजी ब्रेड बॉल्स की रेसिपी अब तक नहीं देखी है तो आप इसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, अपनी सहेलियों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। स्टे होम स्टे सेफ।